चलिए देखते हैं, यहाँ से जो हमारा सी की वैल्यू है कितना है, 4 है। सी वन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। ये सी की वैल्यू और सी वन की वैल्यू ले जाके किसके अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वाई एक्स इज इक्व टू सी एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी वन। सी इज इक्व टू 4, वाई एक्स इज इक्व टू 4 एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी वन इज इक्व टू 2। 4 से 4 कैंसल, वाई एक्स इज इक्व टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस का 2। ये आपका जो है क्या आया है, वाई एक्स की वैल्यू आई है। वाई एक्स की वैल्यू, इसका मतलब जो है वाई के स्थान पे यहाँ पे क्या था, एक्स था। मीन्स वाई के स्थान पे जो है यहाँ पे एक्स था, और एक्स के स्थान पे क्या था, टी था। इसका मतलब जो है ये किसका इक्वेशन बन गया, एक्स ऑफ टी इज इक्व टू टी रेज टू पावर 4 प्लस का 2। ये आपका जो है मिल गया एक्स टी इज इक्व टू। अब यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू ही पूछा है, कहता है टी रेज टू पावर 4 प्लस 2। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड के अंदर कहता है 15/7 टी की पावर 3 प्लस 6/7। ये कभी भी इसके इक्वल नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड के अंदर कहता है एक्स इज इक्व टू 5 टी रेज टू पावर 2 माइनस 2। जी नहीं, ये तो टी की पावर 4 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे टी की पावर 3, यहाँ पे टी की पावर 4 है, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो है ये हमारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, जो कि हमारा जून 2013 के अंदर 4.75 मार्क में पूछा गया था, जिसका ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये तो, क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये जो है हमारा दिसंबर 2014, दिसंबर 2014 के अंदर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी, ये भी बिल्कुल आसान है। मीन्स हम जो है ये सारे क्वेश्चन जो हमारे सीओबी के हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, अगर उसको आप समझ के करते हो तो आपके लिए इजी है। अगर आप उसको जो है रट्टा मार के करते हो तो जो है थोड़ा सा इधर उधर करके आपको दे देगा, तो आप तुरंत पजल होके खड़े हो जाओगे। इसलिए जो है आपको क्रेमिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अपने माइंड का भी कुछ यूज करना है। तो चलिए करते हैं यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी जो है हमारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, करते हैं। क्या कहा है, लेट वाई बिलोंग्स टू सी टू, y belongs to C2, closed interval 0 to pi, satisfying y0 is equals to 0, y at point pi is equals to 0, means ये क्या हो जाएगा, y0 is equals to 0 is equals to y pi। ये भी लिख के दे सकता है, ठीक है, अलग अलग ना लिखने की बजाय आपको कंबाइन दे सकता है। एंड और क्या आपको गिवन है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्व टू 1, ये आपको कंडीशन भी गिवन है। एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल, फंक्शनल को कौन सा फंक्शनल है जिसको एक्सट्रीमाइज करता है, जे वाई इज इक्व टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई डैश स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका जो है फंक्शनल गिवन है, और इस फंक्शनल को क्या करता है, एक्सट्रीमाइज करता है। और यहाँ पे जो y डैश की वैल्यू है वो यहाँ पे दे दिया है dy by dx है इसका मीन, y डैश का, ठीक है।
ये आपका हो गया। देन आपसे ऑप्शन पूछता है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कहता है कि वाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई पाई साइन एक्स, ये रूट 2 अपॉन पाई बाहर है और इंटू साइन एक्स है। और बी ऑप्शन के अंदर देखिए क्या कहता है, वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 बाई पाई साइन एक्स। और जो सी ऑप्शन है इसके अंदर देखिए क्या कहता है, वाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई पाई इंटू कॉस एक्स। डी ऑप्शन के अंदर जो है, वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 बाई पाई कॉस एक्स, ये आपका पूछा गया है। अब ये जो है आपका किस टाइप का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम को क्या लिखते हैं, ये आपका तो जी लिखा हुआ है, ये आपका एफ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक नया फंक्शन लेंगे, एच इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा इंटू जी, यहाँ पे इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए करते हैं क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल एफ प्लस लैम्डा इंटू जी। जी किसे हमें लेट करना है, जी हमें उसे लेट करना है जहां पे जो है इसके इंटीग्रेशन की कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो हमारा क्या होता है, जी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर दीजिए, यूलर लैग्रांज फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, कर लिए एच, अब की बार एफ नहीं बल्कि इस पे अप्लाई होगा यूलर लैग्रांज फार्मूला। क्या करेंगे, करली एच अपान करली वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ करली एच अपान करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट करली एच अपान करली वाई करेंगे क्या मिलेगा, 2 लैम्डा y माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 y डैश इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2 से 2 गायब कर देंगे, लैम्डा वाई माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, वाई डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा वाई, क्या हो जाएगा वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई एक्स, या फिर एक्स को अभी अंडरस्टूड रहने देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार डिफरेंस इंटीग्रेट किया क्या मिलेगा, वाई डैश इज इक्वल टू लैम्डा, अभी ऐसा नहीं करना है, ये हो गया बस। अब यहाँ पे जो है आपको किस टाइप का दिखाई दे रहा है, वाई डबल डैश माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 केसेस अराइव होंगे, 3 केस हमारे क्या होंगे, जब लैम्डा की वैल्यू 0 होगी, या फिर जब फर्स्ट केस जब लैम्डा आपका 0 हो जाए, सेकंड केस जब लैम्डा की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, थर्ड केस जब लैम्डा की वैल्यू आपकी लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, ये हो गई बात। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन में साइन एक्स है या फिर कॉस एक्स है, मीन्स आप जो है अगर करते हो फर्स्ट केस में तो आपका जो है एक्स के टाइप का मिलेगा, मीन्स लैम्डा जब 0 हो जाएगा तो वहाँ पे अगर आ भी सकता है तो वो एक्स के टाइप का आएगा, मीन्स स्टर्म लवली प्रॉब्लम ये यहाँ पे जो है अप्लाई हो गई, स्टर्म लवली प्रॉब्लम ये हमारी बन गई। और यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है 0 इज इक्वल टू y एट पॉइंट पाई इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है कंडीशन। दिस प्रॉब्लम इज एन आप आइसो पेरीमेट दिस प्रॉब्लम इज अ स्टर्म लवली प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारी क्या है, कौन सी प्रॉब्लम बन के तैयार हो गई, स्टर्म लवली प्रॉब्लम। स्टर्म लवली प्रॉब्लम के लिए जैसे हम करते थे लैम्डा इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, थर्ड केस लैम्डा इज लेस देन 0, जस्ट ऐसा ही करना है। बट यहाँ पे कुछ चालाकी करनी है, चालाकी क्या, यहाँ पे कुछ माइंड यूज करना है। यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, इसका मतलब आपको ये देखना है किस केस में जो आपकी वैल्यू होती है वाई की, मीन्स लैम्डा की कौन सी वैल्यू आप लेते हो, तो यहाँ पे जो है वाई की वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है, इमेजिनरी मीन्स प्लस माइनस आयोटा आ जाती है, ऐसा कुछ। यहाँ पे देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल के टाइप का आएगा, जी नहीं लैम्डा आप अगर आप 0 लेते हो तो ये आपका सोलूशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी के टाइप का मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्या है साइन एक्स और कॉस एक्स है, जी नहीं ये हमारा नहीं बन सकता। अब यहाँ पे लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, मीन्स लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का एम स्क्वायर,
प्लस का एम स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है बचेगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम बचेगा, मीन्स एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। जब हम ले लेंगे लैम्डा इज लेस देन जीरो तो ये हमारा हो सकता है कि सोल्यूशन बन जाएगा, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव लेना है तो माइनस एम का स्क्वायर हमने कर दिया। चलिए करते हैं, जब हमने माइनस एम का स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई दैट y को आप d स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए, क्या करोगे d चलिए यहां पे करते हैं ऐसे ही y डबल डैश माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो y डबल डैश। चलिए एक्जिलरी इक्वेशन बना ही लेते हैं, एक्जिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्व टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर इज इक्व टू माइनस एम स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट डी इज इक्व टू प्लस माइनस एम आयोटा। ये मिल गया आपका इस टाइप का, जब आपका अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के जब आपके रूट आते हैं तो कैसे सोल्यूशन लिखा जाता है, e की पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे कर देते हैं, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को काफी केयरफुली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, जो इसका सलूशन आएगा क्या मिलेगा, वाई एक्स इज इक्व टू सी वन कॉस एम एक्स प्लस सी टू साइन एम एक्स। यहाँ पे क्या है अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, वाई एट पॉइंट जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे आपकी कंडीशन क्या है जीरो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सी वन कास जीरो की वैल्यू वन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, और यहाँ पे सी वन आपका जीरो मिल गया, क्या मिला आपको सी वन जीरो मिल गया। अब वाई एट पॉइंट पाई इज इक्वल टू क्या है जीरो है, पाई पे कंडीशन चेक करेंगे सी वन आपका जीरो है, साइन क्या मिलेगा सी टू साइन एम पाई, क्या मिलेगा सी टू साइन एम पाई ये आपका मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा सी टू साइन एम पाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट सी टू नॉट इक्वल टू जीरो, सी टू आपका जीरो नहीं होगा, जीरो कौन होगा साइन एम पाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो कहाँ होता है साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन एन पाई एम इज इक्वल टू आपको क्या मिला है एन मिला है, ठीक है एम इज इक्वल टू एन मिला है। अब यहाँ पे किसी एक के अंदर कंडीशन को पुट कीजिए, चलिए यहीं पे करते हैं, ये आपका क्या मिला वाई एक्स इज इक्वल टू C1 तो आपका जीरो मिला है, C2 आपका कांस्टेंट है तो इसको C भी लिख सकते हो, चूंकि आपके पास कोई C1 C2 अलग टाइप का नहीं है, एक ही कांस्टेंट है तो आप सिंपली C लिख सकते हो। साइन m इज इक्वल टू क्या है nx है, ये हो जाएगा, और जो आपका लैम्डा है वो क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एम का स्क्वायर मीन्स माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो है वाई एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, पुट करने के बाद देखिए क्या मिलेगा आपको, चलिए करते हैं। इसके अंदर मान लीजिए हमने पुट किया तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई वाई स्क्वायर मीन्स आपका सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एन एक्स, साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वन है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ से इसकी वैल्यू निकलेगी, चलिए करते हैं, जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो है सी स्क्वायर आपका बाहर हो जाएगा, कर लीजिए बाहर। अब यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये आपका फार्मूला होता है।
अब यहाँ पे पुट कीजिए, क्योंकि आप जो है साइन स्क्वायर एक्स का सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे कुछ फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। सी स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई टू सी स्क्वायर बाई टू तो बाहर कर लेते हैं, जीरो टू पाई, और यहाँ पे वन डी एक्स, वन डी एक्स, फिर माइनस माइनस लगा दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन है तो वन को उधर ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे वन का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस, और यहाँ पे जब करोगे कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू एक्स बाई टू, क्या मिलेगा, साइन टू एक्स, जब आप टू एक्स का करोगे डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, जीरो टू पाई लिमिट है, इज इक्वल टू वन है। अब यहाँ पे देखिए काफी आपको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, सी स्क्वायर बाई टू यहाँ पे मिलेगा पाई माइनस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और फिर जब जीरो आप पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर से आपका साइन जीरो हो जाएगा, मीन्स जो है पाई की वैल्यू जीरो, यहाँ पे एक्स के स्थान पे प्लस, एक्स के स्थान पे पाई आपने पुट किया, ठीक है, यहाँ पे पाई हुआ माइनस साइन पाई की वैल्यू, साइन टू पाई की, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई, साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू जो है जीरो होती है, यहाँ पे टू है एन इक्वल्स टू तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो, फिर माइनस जब पुट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, मीन्स क्या बचेगा पाई, ये मिलेगा इज इक्वल्स टू वन। दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू अपॉन पाई, पाई को उस साइड भेज देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू अपॉन पाई, सी की जो वैल्यू है आपकी कितनी मिली है, अंडर रूट टू अपॉन पाई मिली है, क्या मिली है, अंडर रूट टू अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वहां से ले आके पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, एक मिनट एक मिनट, प्लस माइनस आएगा ना जब अंडर रूट निकलेगा, सी इज इक्वल टू, जैसे आप क्या लिखते हो, एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट टू, यही ना होता है, यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मिस्टेक नहीं करना, यहाँ पे जब आपका स्क्वायर मीन्स ले लोगे आपका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट जब लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो ये चीज हो जाएगा, जो आपका कॉन्स्टेंट है क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट टू अपॉन पाई, और यहाँ पे जो है एन है, यहाँ पे क्या लिया है हमने, लिया था क्या लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एम का स्क्वायर, और यम आपका क्या है, ग्रेटर देन, यम आपका लेस देन जीरो था, यम आपका क्या था, लेस देन जीरो, यम आपका लेस देन जीरो था, इसका मतलब लेस देन के स्थान पे जो है आप एम इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर भी तो ले सकते हो, यम इज इक्वल टू वन, यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एन आया है तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन, मीन्स यहाँ पे जो है आप ले लीजिए एन इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर दीजिए, एन इज इक्वल टू यहाँ पे ले लीजिए वन, वन लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन पाई साइन एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस अंडर रूट टू अपॉन पाई साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या लिखा है, इसके अंदर वन पुट करके ये दोनों चीज हमें मिल सकती है, इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपका कॉस का कोई भी टर्म नहीं मिला है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, साइन का टर्म, इसलिए जो है आपका सी ऑप्शन और जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपका कौन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसलिए जो है आपको मिस्टेक नहीं करना होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा 4.75 मार्क के अंदर पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी था, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम दी हुई थी, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम से हमें सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद हमने जो है स्ट्रम लवली प्रॉब्लम की हेल्प से जो है लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा इज लेस देन जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तीन केसेस अराइव होंगे, तीन केस में हमें ये चेंज
चेक करना था कि साइन एक्स या फिर कॉस एक्स किस टर्म में आएगा, जब हमारा लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो उस केस में जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में मिल सकता है। तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पे सी वन की वैल्यू जीरो मिल गई, सी टू हमारी नॉन जीरो है, सी टू की जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट टू अपॉन पाई आई हुई है, जो कि हमने निकाल के इसके अंदर पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे एन इक्वल्स टू वन लेने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। सी और डी जो है किसी भी कीमत पे हमारा मैच नहीं कर सकता है, इसलिए जो ऑप्शन सी एंड डी इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड ओनली ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।